हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन, यानी कितने मोल मेथेन की हमें ज़रूरत पड़ेगी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। पहले तो मेथेन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ बंद करें, रिएक्शन क्या होगी, मेथेन प्लस O2, 2O2 गिव्स क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन होगी। अब इसमें क्या है, ये एक कार्बन का मास कितना 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना 1, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 ग्राम मेथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, 16 टू 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 ग्राम, 16 ग्राम मेथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं 44 ग्राम, हमने क्या पूछा हुआ है 22 ग्राम, यानी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम मेथेन से प्रोड्यूस होगी। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं 22 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कितना है 44 ग्राम, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, हम क्या कर देंगे 22 ग्राम डिवाइड बाय 44, क्योंकि ये कितना है 1 मोल का वैल्यू है, डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.5 मोल। अगर आप रिएक्शन देखें, रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस करता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल मीथेन प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय किससे प्रोड्यूस होगी, अगर एक्स मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक्स मोल मीथेन से प्रोड्यूस होगी, 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो किससे प्रोड्यूस होगी, 0.5 मोल ऑफ मीथेन। आई होप आपको समझ में आया हो, थैंक यू।